नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि सभी लोगों को धमका कर बोलता हुआ नज़र आता है कि मैं इस समय लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ, और किसी ने अगर मुझसे ना करने की कोशिश की या इस चीज़ का विरोध करने की कोशिश की तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि इस समय लक्ष्मी को लाने के लिए हर प्रयास करता हुआ नज़र आ रहा है आखिरकार ऋषि, और ऋषि को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही ऋषि की दादी, और साथ में आप लोग जानते हैं आयुष और ऋषि के फादर। हालांकि ऋषि की दादी ने ऋषि से बोल दिया है कि ऋषि लक्ष्मी जाते वक्त एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मलिष्का और नीलम ने बहुत ही गंदी तरीक़ा से लक्ष्मी को ताने मारे हैं, और इन ताने को सुनने के लिए लगातार वो इस समय बेहद ज़्यादा अलग मिजाज में नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के साथ में जो हो रहा है वास्तविक वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। हालांकि लक्ष्मी के पास में कोई रास्ता भी नहीं था अपने घर जाने के सिवाय, लेकिन अब ऋषि रास्ता भी दिखाएगा और ऋषि सभी लोगों के सामने सपोर्ट करता हुआ नज़र आने वाला है आखिरकार लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के लिए बोलता हुआ नज़र आएगा कि दोबारा लक्ष्मी के साथ में किसी ने किसी भी तरीक़ा से कुछ करा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ तक कि ऋषि ने मलिष्का से भी साफ साफ वार्निंग दे दी है, मलिष्का से बोल दिया है कि तुम किसी भी तरीक़ा से मेरे बारे में इंटरफेयर मत करना, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसमें तुम्हें बोलने का किसी भी तरीक़ा से हक भी नहीं बनता है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट कहानी के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऋषि एक समय अपने आप में ही एक खास पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि इस समय वो कुछ भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो।